पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। एक विशेष बात के लिए लाइव आया हूँ मैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी गाने को ना गाने की तरह आप सुना करिए। आपका प्यार हूँ मैं, आपका आशीर्वाद हूँ मैं भी हूँ, हर वो कलाकार आपका प्यार और आशीर्वाद होता है। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी आर्टिस्ट को गाली दे दें और हम किसी को विवाद में लाएं। आप लोग पोस्टर को चेंज कर देते हो किसी के नाम से, आप जिसका नाम चेंज कर रहे हो आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो मेरे दिल में और मेरे नज़र में उनकी छवि क्या है, उनकी अहमियत क्या है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो गार्जियन हैं मेरे, और गार्जियन के लिए मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फ़ैन होने का मतलब ये भी नहीं होता है मेरे भाई कि आप किसी को मेरे लिए गाली दो। क्यों दोगे आप? आपको गाना से मज़ा लेना है, आप गाने से मज़ा लीजिए। आप किसी की पोस्टर चेंज कर देते, उस गाने में ऐसे क्या बात है? अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं शुरू से नाम लेता। लास्ट में हर आदमी का, हर राइटर का नाम होता है। राइटर जो लिखा है उसकी हक बनती है, जो मेहनत किया है उसकी, उसका हक बनता है। वो मेरे बड़े भाई हैं। और आप लोग किस बात के फ़ैन हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ैन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करें। और आप भोजपुरी के नाम पे क्यों ऐसे गंदी काम कर रहे हो आप लोग? गाने का मतलब कुछ और होता है, आप लोग कहीं और जोड़ते हो। आप जिस आदमी का नाम जोड़ रहे हो उस आदमी को मैं भगवान की तरह मानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, पूजनीय हैं मेरे लिए। और आप उनका नंबर आप फेसबुक पे डालते हो। आपके पास अगर नंबर है तो आप ठीक है ना, अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए। आपको कभी बात करनी होगी तो उसके लिए, आशीर्वाद प्यार देने के लिए आप नंबर रखिए। आप मेरा भी नंबर फेसबुक पे डाल भाई। और ये ज़्यादा लोग नहीं है, 25 उधर होंगे, 25 इधर होंगे, जो कि असामाजिक तत्व वाले चीज़ें लोग हैं। ये बेमतलब की विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फालतू के विवाद पैदा कर रहे हैं। पोस्टर कुछ और होता है, आप उसको डिज़ाइन करके कुछ अलग बनाते हो। फैन का मतलब भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी उतना ही प्यार करिए आप। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भोजपुरी के स्तंभ हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है यार। और आप, मैंने आज फेसबुक देखा और इतने टाइप की भी गंदी गंदी चीज़ें, क्यों यार? आप गाने को गाने के हिसाब से लो ना। मैं आप सबका प्यार हूँ, आप सबका भाई हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे बड़े भाई पवन भैया, वो भी मेरे कहीं ना कहीं हम दोनों के प्यार से एक दूसरे को हम लोग बड़ा किए हैं। उनको देख कर मैं बड़ा हुआ हूँ यार। आप ऐसी हरकतें मत करो। फैन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो। ये कौन सा फैन है भाई? आप गाली दे दोगे तो मैं आपको बहुत प्यार करूंगा जी, सॉरी नहीं। और जो पवन भैया को चाहने वाले लोग हैं, आप अगर मुझे गाली दे देंगे तो आपको अवार्ड देंगे, ऐसा है क्या? हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं जाता हूँ या मिलते हैं, हम दोनों भाई तो भाई हैं। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप भी उनको बड़े भाई ही मानिए। हम सब भोजपुरी के एक लोग हैं, हम भोजपुरी से हैं, भोजपुरी समाज हमारा है। हम आप सबके हैं, सारे कलाकार आप सबके प्यारे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकतें मत करिए। आप लोग भाई हैं और आप उनको भी अपना बड़ा भाई मानिए, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ यार। मेरी माँ उनकी माँ है, उनकी माँ मेरी माँ है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो हमारी माँ आपकी माँ हुई ना, तो उनकी भी माँ आपकी माँ हुई, उनकी बहन आपकी बहन हुई, हमारी बहन आपकी, जैसे हम आप सबकी बहनों को अपनी बहन मानते हैं। और मानना क्या है? आप हैं, वो हमारी बहनें हैं। हम किसी को किसी गाने को लेकर और हम अलग मोड़ दे दें, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी हुआ। हाँ, प्यार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के लिए किसी को गाली दें। आज आप उनको गाली दे रहे हो तो कल मुझे भी दोगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूजनीय लोग हैं, आप लोग ईश्वर के स्वरूप हैं, आप मेरे भाई हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे बड़े भाई का मैं चाहता हूँ कि आप सम्मान करिए, आप उनका भी गाना खूब सुनिए। हमें भोजपुरी को आगे करना है ना, हमें भोजपुरी को बढ़ाना है, या हम एक दूसरे के विवाद में अपने भोजपुरी की स्तंभ को ख़त्म कर दें? उस इंसान ने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है और आप बहुत कुछ देने वाले हैं वो। आप ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। जीवन में देखिए, गार्जियन गार्जियन ही होता है, वो कहीं ना कहीं मेरे गार्जियन है यार। उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं छोटा था तो उस आदमी को अपना आदर्श बना के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। मैं छोटा था जब उनके गानों को सुनता था,
आज मैं उनके सामने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के गोद में बैठा हूँ, प्यार ले रहा हूँ। और आप लोग उनका नंबर आप फेसबुक पे डालते हो, मेरा नंबर उनके फैन जो हैं वो फेसबुक पे डालते हैं, क्यों? हम दोनों को आप लड़ा दोगे और हम लड़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ही रहेंगे मेरे। आपके कहने से मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता और आपके कहने से वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक सम्मान की भावना है, एक दूसरे के प्रति इज्जत की भावना है। और आप लोग पोस्टर चेंज कर देते हो, उस गाने का रूप ही बदल देते हो। आप गाने तो सुनो कि गाना है क्या। एक राइटर का नाम है जो कि आप भी जानते हो और आपने उसका रूप अलग दे दिया, ये गलत है। आप लोग पूजनीय हो, आप लोग ईश्वर हो हम दोनों भाइयों के। और हम दोनों भाइयों में कोई ऐसा भी बात नहीं है यार, हम दोनों भाई एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरह मानता है और उनका हूँ भी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उनसे। वो मेरे आदर्श हैं, वो गार्जियन हैं यार। प्लीज़ अगर आप मुझे प्यार करते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि नहीं यार हम खेसारी को प्यार करते हैं, तो आप उनके भी गाने को सुनो, उनको भी प्यार दो। वहाँ आप पवन सिंह को मत सुनो, वहाँ भोजपुरी को सुनो। यहाँ आप खेसारी को मत सुनो, वहाँ भोजपुरी समाज के लिए सुनो। भोजपुरी के स्तंभ की चीज़ें को सुनो, भोजपुरी भाषा को आप प्रमोट करो। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर आप किसी को गाली दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कौन सा रामायण और गीता में लिखा है कि हम किसी को गाली देंगे? गलत बात है। और मैं कुछ यूट्यूबरों की भी बात बोलूँगा, ये बेमतलब की चीज़ें आप लोग जो फैलाते हो। कुछ यूट्यूबर जो हैं जिनको बोलने तक की मैंने बोलने भी नहीं आता है यार। बोलना तो पहले सीख लो कि भाषा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आप एक चैनल चला रहे हो, आप एक समाज की आईना बन के अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, और आप इस टाइप की आपको बोलने तक नहीं आता है जुबान में, वो आपके पास वो लफ्ज़ नहीं है जो आप किसी को संबोधित कर दो अच्छे से। भाषा आपकी अच्छी नहीं है और आप अपने आप को यूट्यूबर बोलते हो और कुछ भी बोलते हो आप, ये गलत है। आप मेरे लिए किसी को गाली दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है यार। आप समाज के आईना हो, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें भोजपुरी भाषा को आगे करना है, हमें भोजपुरी भाषा को बढ़ाना है। किसी एक इंसान के लिए आप किसी एक इंसान को गाली क्यों? आपको पता है उस इंसान की अहमियत मेरे नज़र में क्या है और मेरे दिल में क्या है? आज बड़ी दुख के हिसाब मैंने बड़ा दुख हुआ मुझे आज यार कि आप किसी भी गाने को अलग भी बात दे देते हो, क्या तरीका है? आप गाने को गाने के हिसाब से नहीं सुन सकते, सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकता है आदमी। साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं होती, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बुआ भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, और आप उसका रूप अलग कुछ दे दोगे, गलत है ये। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें भी प्यार दो, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ। आप किसी भी गाने को अलग रूप ना दो, उस आदमी की छवि जो मेरे दिल में है एक ईश्वर की तरह है, वो मेरे बड़े भाई हैं। बहुत छोटा था यार तब से मैं उसी आदमी को सुनता हूँ। और भोजपुरी के एक ऐसे पुरुष है वो कि जादू है उस आदमी के अंदर, और मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे अंदर भी वो जादू कुछ ना कुछ तो होगी जो आप मुझे मोहब्बत देते हैं, और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज को सुधारिए। आप किसी की माँ को गाली दोगे, किसी की बहन को गाली दोगी, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, ये सब गलत चीज़ें हैं। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मंदिर के ऐसी मूर्ति हो जिस पे हमारा श्रद्धा का, हमारे संगीत का, हमारे गायकी का फूल चढ़ता है, ऐसे मत करिए आप लोग। जो लोटस से मेरा गाना रिलीज हुआ है, मैंने पोस्टर, ठीक है, मैं मुझे लगा जैसे मैं तो गाना ही गाया हूँ, मुझे इतना बात नहीं थी कि आप लोग उस चीज़ को इतना बड़ा कर दोगे कि खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, पवन रही है पेंडिंग में। इसका मतलब ये नहीं यार, अगर मेरे वो राइटर का नाम नहीं होता तो वो डालते ही, और मैं तो पोस्टर देखा भी नहीं, मैं कहीं और था, मुझे आज सुबह पता चला कि पोस्टर को ऐसे ऐसे कर दिया गया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग भाई हो यार, आप मंदिर में रहने वाले भगवान हो हमारे लिए। एक प्रेमी और प्रेमिका की कथा मैंने गाया है कि तुम मेरे जीवन में सबसे ऊपर हो, मेरे जीवन में कोई भी आएगा तो वो नीचे ही रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं,
आप लोग उनको भी बड़ा भाई मानो, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आप मुझे करते हो। इस भाषा को आप लोग प्लीज़ गंदा मत करो अपने जुबान से और अपने लेखनी से। आपको आज़ादी है कुछ बोलने की, कुछ करने की, बट आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ जे हम किसी को गाली दें। और आप उसको विवादित मत करो, गाने को गाने के हिसाब से सुनो ना आप। बस यही रिक्वेस्ट करने आया था, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। आप अगर उनको गाली दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो, तो आप इसका मतलब फ़ैन नहीं हो। आप फैन होते तो ऐसे हरकत नहीं करते। आप प्रमोट करो जिसको करना है, आप मुझे करते हो, आप प्यार आपका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सम्मान करता हूँ मैं। बट आप भोजपुरी भाषा को देखकर सुनो ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर मत सुनो, उस भाषा के लिए सुनो ना आप। आपको अच्छा लगता है तो मजा लो, एक लाइक कर मन करता है तो लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं मनता तो डिसलाइक कर दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। बट आप किसी को गाली दोगे ये कहाँ का नियम है भाई? आप गाने का रूप कहीं और दे दोगे ये कहाँ का नियम है? और फैन होने का मतलब ये नहीं होता है, मैं अपने फैन से भी बोल रहा हूँ, मैं और अपने बड़े भाई पवन भैया के भी फैन से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग गाने को सुनो, आप किसी को विवाद में मत लाओ। आप लोग पूजनीय हो, आप लोग हम लोग के लिए ईश्वर हो, आप लोग को हम बहुत प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लव यू, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जीवन में बहुत कुछ आगे करना है, हम छोटी छोटी विवादों में अपने जीवन को चलाएंगे तो हम उसी में उलझ जाएंगे। हमें जीवन में बहुत आगे ऊपर तक काम करना है आप लोग के सपोर्ट से, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। लव यू ऑल, सारे लोग, दिल से प्रणाम सबको, थैंक यू।